हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर शनिवार को रोडवेज कर्मियों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरने के दौरान रोडवेज कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि एटक सीटू इंटक आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन बीजेएमएम राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त मोर्चे के साथ 13 सूत्री मांग पत्र पर रोडवेज प्रबंधन एवं राज्य सरकार की कई बार वार्ता हो चुकी है। वार्ता सफल नहीं होने पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में चक्काजाम हड़ताल भी की गई थी। हड़ताल के दौरान कई मांगों पर सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है, लेकिन रोडवेज में अभी तक सातवां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ। इसे लागू किए जाने, रोडवेज में भर्ती करने, रोडवेज बेड़े के लिए नई बसों की खरीदी होने के साथ ही अनुबंध पर चल रही बसों की संख्या कम करने, बकाया बोनस देने सहित कई मांगों को लेकर आज धरना दिया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।